वाली नाका मुक्ति धाम के कायाकल्प में लगे हुए और आज मिशन मुक्ति धाम की टीम के वरिष्ठ सदस्य समाज सेवी आनंद लधिया ने अपना जन्मदिन भी मुक्ति धाम में मनाया। साथ ही मुक्ति धाम के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज सेवी आनंदी दरिया के साथ मिलकर शमशान घाट में 50 पौधे लगाए। इस मौके पर समाज सेवी आनंद ददरिया और मिशन मुक्ति धाम की टीम के सदस्यों ने इन बच्चों को पहाड़ा किताब, चित्रकला, ड्राइंग बुक का भी वितरण किया। मिशन मुक्ति धाम टीम के सदस्य महेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम युवाओं की टीम प्रतिदिन 2 घंटे नरियावली नाका मुक्ति धाम में साफ सफाई, पौधारोपण और पहले लगाए गए पौधों में पानी देते हैं। इसके बाद मुक्ति धाम के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली गरीब बच्चों को मुक्ति धाम में ही पाठशाला के माध्यम से पढ़ाते हैं। हमारी टीम द्वारा यह कार्य लगातार 11 दिन से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी पढ़ाई करने आते हैं, इसीलिए बच्चियों की टीम का नाम रखा है महारानी लक्ष्मीबाई और बच्चों की टीम का नाम रखा है महाराणा प्रताप। खेल खेल में बच्चे अब यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये हमारे महेश तिवारी जी हैं, इन्होंने और शुभम भैया ने सेलिब्रेट किया और हमारे लिए एक आते ही साथ अलग माहौल दिया यहाँ पर और सरप्राइज कहना चाहिए, सरप्राइज दिया कि हमारा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया गया। सारी व्यवस्था इन्हीं लोगों ने की, मास्क वितरण किए, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सिखाया, बच्चों को गिफ्ट दी, बुक्स दी, पहाड़ा दिया इंग्लिश हिंदी दोनों का और ड्राइंग बुक दी। मुक्ति धाम में ही क्यों चुना? आमतौर पर लोग होटल में मनाते हैं, सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आप देखते होंगे कहीं चौराहे पे मना रहे हैं, नदी तालाब के किनारे सब कचरा फैला देते हैं और हम लोगों ने कचरा नाम की कोई चीज़ नहीं रखी थी। किस तरह के बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं? ये यहाँ के गरीब बस्ती के बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ा रहे हैं और उन लोगों को योग सिखा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सिखा रहे हैं और जो भी हम लोगों से बन रहा है, अभी शुरुआत की है, 11 दिन हो गए हम लोगों को रेगुलर और चल रहा है, अच्छा है काम। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आज आप मिशन मुक्ति धाम हम लोग कई दिनों से चला रहे हैं और ये कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर शुरू किया था और आज आप यहाँ आके देखेंगे तो पूरी मुक्ति धाम की तस्वीर चेंज हो चुकी है। यहाँ कई लोगों का कहना था कि ये लोग फालतू में लगे हुए हैं और ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आज आप यहाँ आके देखेंगे तो ये पूरी तरह से पॉसिबल लग रहा है क्योंकि आज कुछ लोगों ने शुरू किया था लेकिन आज इतनी बड़ी टीम तैयार हो गई है मिशन मुक्ति धाम के लिए, लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या क्या कार्य करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे पोताई का काम होता है दीवारों पे जो गंदी थी और उस पर चित्र बनाए जाते हैं और दूसरी चीज़ जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको ट्री गार्ड से ढक दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहें और तीसरी चीज़ है कि पाठशाला का आयोजन होता है जिसमें बच्चों को जागरूकता लाई जाती है सफाई के प्रति, उनको पढ़ाया जाता है और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और जैसे कि योगा और इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैसे सफाई रखें और भी कई चीज़ें उनको बताई जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स भी हैं जो अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि पहला हमारे प्रकृति प्रेमी तिवारी जी हैं, वो लोग बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं और वो लोग सीख भी रहे हैं और डेली उनसे पूछते हैं तो वो उनके जवाब भी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ सरदार जी हैं जो वो जुम्बा सिखाते हैं बच्चों को और तीसरा हमारे यहाँ शुभम जी हैं वो बच्चों को राष्ट्रभक्ति के गीत सिखाते हैं और राष्ट्रभक्ति की अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं और चौथा हमारे यहाँ आनंद जी हैं जिनका आज बर्थडे था, वो लोग बच्चों को योग सिखाते हैं और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें भी बताते और यह आजीवन जारी रहेगा और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग सिखाते रहेंगे और मिशन मुक्ति धाम को हम लोग पॉसिबल करते हैं।